हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलस्ट्रेटर में ऑब्जेक्ट मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक न्यू सीट ली, ऑब्जेक्ट में गया, मैंने पिछले वीडियो में आपको रेस्टराइज तक बताया था। अब आगे चलते हैं, तो हम फाइल में गए, मैंने किया डिस्प्ले के लिए। आप यहाँ कोई भी इमेज शो करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई मैं इमेज लेके आता हूँ इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट में गए, मैंने रेस्टराइज पे क्लिक किया, आप यहाँ करते हैं आरजीबी, ओके करता हूँ तो ये आरजीबी शो कर देता है इस तरीके से। और आप यहाँ एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके ऑब्जेक्ट में जाके मैंने रेस्टराइज पे क्लिक किया, जब आप आरजीबी ले रहे हैं तो ये इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है आपका। तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है आपका। तो ये शो कर रहा है कि आपका कि मुझे यहाँ इसमें ये टैक्स पे काम करना है या आर्ट वाले ऑप्शंस पे काम करना है। तो जैसे मैंने टाइप पे क्लिक किया, ओके करता हूँ, मैं इस तरीके से बढ़ा रहा हूँ इसका ऑप्शंस, ओके करता हूँ तो इस तरीके से शो कर रहा है कि यहाँ भी कोई टैक्स नहीं है आपका। तो इस तरह का स्टाइल, इस तरीके से कोई स्टाइल इसने शो कर दिया, इसके आसपास कोई भी टैक्स आप शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस था इसमें। ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाके दोबारा देख लीजिए, रेस्टराइज पे क्लिक करता हूँ। एक तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने इसमें बताया था कि हम इसमें जैसे कोई PNG फॉर्मेट लेके आते हैं तो उसके पीछे व्हाइट कलर देना है, या उसमें कोई व्हाइट कलर नहीं लेके आना है मुझे उसके पीछे के बैकग्राउंड में, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं आप। अगर आप यहाँ जाके जैसे इस पर सिलेक्ट किया आपने, यहाँ जाके जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, इस तरीके से बढ़ाता हूँ, ओके करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, वही ओके करता हूँ तो इस तरीके से एक एरिया दे रहा है। तो जैसे हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो उसके चारों तरफ एक बॉर्डर होता है, इस तरीके से बॉर्डर देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, आप इसको टैक्स में यूज़ करना चाहते हैं तो टैक्स टाइप वाला ऑप्शन शो कर सकते हैं, ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से टाइप वाला ऑप्शन शो कर देता है इस तरीके से। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई हमारी PNG इमेज है तो उसके बीच में कोई टैक्स है, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ इस जगह। तो इसमें हम इस तरीके से शो करते हैं। अब हमारा आपका आगे चलता है, जैसे ये इमेज है हमारी, ऑब्जेक्ट में गए, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये शो करता है कि आप यहाँ रो कॉलम के हिसाब से कोई डिजाइन बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका रो और कॉलम बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, ओके करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो ये जो पॉइंट है आपके, जैसे मैंने इसको पॉइंट को सिलेक्ट किया, अपने हिसाब से इसमें चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, कोई बैकग्राउंड बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह का कोई इफेक्ट। तो किसी भी इमेज को बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट में गए, ये था हमारा, ये जब ही शो करेंगे जब हमने रेस्टराइज यूज़ कर रखा होगा, ओके करता हूँ। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे अगर आप यहाँ इसको करते हैं 10, तो जैसे ओके करता हूँ तो इस तरीके से बॉक्स आ जाते हैं आपके। अगर हम इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट में गए और मैंने यहाँ इस पर सिलेक्ट किया और आपने किया यहाँ जाके 5, तो जैसे मैंने 5 पे क्लिक किया, यहाँ पर भी 5 करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से, पहले भी छोटे छोटे आ रहे थे, अब ये थोड़े से बड़े बड़े आ रहे हैं बॉक्स। तो जैसे ऑब्जेक्ट में गए, दोबारा देख लीजिए, इस पर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने किया यहाँ जाके 20, तो छोटे साइज हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ मैंने किया 20, ओके 20, ओके करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो आपने देखा होगा जो मीडिया वाले होते हैं वो फेस छुपाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट किया, आप डिलीट करते हैं इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ जाके पीछे की बैकग्राउंड सिलेक्ट करी, ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ जाके लोक, ये लोक लगा दिया। तो जितना एरिया आपको हटाना है उतना इस तरीके से हटा सकते हैं, ऐसा कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं कि इसके फेस फेस पे ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया अनलॉक, ऑब्जेक्ट में गए, ये था हमारा यहाँ तक, इस पर सिलेक्ट करता हूँ, ये शो करता है जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं वो फाइनल हो जाता है, तो उसमें आप PPI मतलब रेगुलेशन क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे 300 शो कर रहा है तो आप यहाँ 2400 या अदर अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि हमें कितनी क्वालिटी देनी है। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि हाई है, मीडियम है, लो है, किस क्वालिटी में आपको काम करना है। तो जैसे हाई में इसने ये सिलेक्ट किया, मीडियम पे क्लिक करता हूँ तो मीडियम पे ये सिलेक्ट करता है, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके ये जब ऑप्शंस ये जब ही शो करेंगे जब आपने रेस्टराइज पे क्लिक कर रखा होगा। इसके बाद हमारा स्लाइस, स्लाइस मैंने यहाँ आपको बताया था जब टूल्स चला था, तो मैं मेक पे क्लिक करता हूँ, इतने एरिया को स्लाइस हो गया आपका। फाइल में जाके मैंने किया है यहाँ जाके सेव सिलेक्ट स्लाइस पे क्लिक, आप डेस्कटॉप पे जाते हैं, कोई भी नाम देते हैं, मैंने जैसे कोई भी नाम से सेव किया इसको, तो ये क्या करता है, एक नाम से फोल्डर बन के आ जाएगा आपका।
और उसमें वो फाइल सेव होकर आ जाएगी, जैसे इस तरीके से सेव होकर आ गई आपका। तो ये क्या करता है हमारा कि जितना एरिया आपने स्लाइस से कटिंग कर रखा है उतना एरिया सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ ऑप्शंस दिखा तो रहा है, तो जब हम सेव करते हैं तो वहाँ ओनली इमेज ओनली शो करता है, तो उसमें हम इसको लिंक शो नहीं कर सकते। जैसे मैंने किया सेव सिलेक्ट स्लाइस पे क्लिक, तो यहाँ इमेज ओनली शो कर रहा है आपका। अगर आप फाइल में जाके करते हैं सेव फॉर वेब, तो यहाँ पर भी मैंने इसको, अगर इसको बनाया जेपीजी और मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ भी ये इमेज ओनली शो कर रहा है। जैसे फोटोशॉप में करता था कि डॉट एचटीएमएल, तो जब हम उसमें स्लाइस का यूज करके दिखा सकते थे। तो फोटोशॉप में मैंने जैसे स्लाइस का बता भी रखा है, दिखा भी रखा है कि किस तरीके से आप लिंक दे सकते हैं। तो इसमें जितना एरिया आपने कटिंग कर रखा है उतना एक इमेज काट के एचटीएमएल में जाके और फिर वहाँ लिंक शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। फाइल में गए, कंट्रोल एन, मैंने एक न्यू पेज लेता हूँ मैं इस तरीके से। फाइल में गए, मैंने किया प्लेस पे क्लिक। आप यहाँ कोई भी पिक्चर लेके आते हैं, जैसे पिक्चर ली मैंने, तो जैसे आप कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आता है व्हाइट कलर का, इस तरीके से बनाने के लिए आप यहाँ जाएंगे तो एक बॉर्डर टाइप का आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सूत। तो इस तरीके से आप सूत शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है, अच्छा है ये कि आप कोई भी डिजाइन जब सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक सूत शो कर देगा। तो आज ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।